So what's up guys, hope everyone is fine and healthy. This is Amik and you're watching Modern Tactics. तो दोस्तों आज हम ऐसे यंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सख्त लौंडों को कोमल बना देता है। जी नहीं, कोई फेरे हैंडसम की बात नहीं चल रही, हम बात करने जा रहे हैं इस MI ट्रिमर के बारे में जो कि आपके बियर्ड को क्लीन कर दे सिर्फ 2 मिनट में। तो दोस्तों आजकल के जो हमारे यूथ है वो क्लीन शेव्ड लुक कम प्रीफर करती है और हम ट्रिम्ड लुक ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो ट्रिमर एक कंपल्शन हो गया आजकल के मेल यूथ में। तो बेसिकली तो हम लेकर आ गए आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ट्रिमर का एक इन डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू, हर चीज के बारे में डीप में बात करते हैं। बॉक्स में साथ में क्या क्या देखने को मिलता है, तो बॉक्स में 2 डिफरेंट ऐसे कॉम्ब्स देखने को मिलते हैं, एक आपके हेड हेयर्स को ट्रिम करने के लिए, दूसरा आपके बियर्ड हेयर्स को ट्रिम करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। साथ में जो चार्जिंग केबल दी गई है वो मतलब थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, जो इसका पोर्ट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब टाइप से होता तो मजा आ जाते हैं। और साथ ही में देखने को मिलता है कैरिंग पाउच, और फिर आ जाती है हमारी मेन मशीन, हमारा MI ट्रिमर जो कि बहुत ही कमाल का दे दिया गया है। तो चलिए गाइस अब चर्चा कर लीजिए इसकी बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो जो बिल्ड हमें देखने को मिलती है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, मतलब पूरा ही मेड प्लास्टिक का हमें देखने को मिलता है, सॉफ्ट प्लास्टिक का देखने को मिलता है, तो हाथ में पकड़ने में प्रीमियम फील होता है। साथ में उसकी डिज़ाइन है वो क्यूबॉइडल और सिलेंड्रिकल को एकदम मिक्स करा हुआ डिज़ाइन है, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी और सिक्योर लगता है हाथ में पकड़ने में। और जो इसकी ब्लेड दी गई है वो मतलब सेल्फ शार्पनिंग स्टेनलेस स्टील की ब्लेड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि टाइम के साथ में ख़राब हो जाएगी, आप इसे जितनी बार यूज़ करेंगे कि उतनी बार और ज़्यादा शार्प होती जाएगी। दोस्तों बात करी जाएगा इसकी चार्जिंग केबल की क्वालिटी के बारे में, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टफ एंड रफ मटेरियल की हमें देखने को मिलती है, हालांकि जो इसका पोर्ट है बस ये मुझे पसंद नहीं है, अगर टाइप से होता ना तो बार बार बोल रहा हूँ, हालांकि टाइप से होता तो मज़ा आ जाता, मतलब कोई सी भी चार्जर से कैसे भी चार्ज कर लो, बट ठीक है एडजस्ट करा जा सकता है। तो चलिए मित्रों आप कुछ वार्ता कर लीजिए ऐसा कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो काफ़ी फीचर रिच ट्रिमर हमें देखने को मिलता है, ये आता है 3 LED इंडिकेटर्स के साथ में, मतलब 3 बैटरी लेवल शो करता है LED की मदद से, अगर LED जल रही है, तीनों LED चल रही है तो मतलब बैटरी फुल चार्ज है, अगर 2 जल रही है तो 66% चार्ज, अगर 1 जल रही है 33% के बिलो है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बैटरी जान सकते हैं कितनी चार्ज है। साथ ही में जब से चार्ज करते तो भी ब्लिंक करती जाती है, तो वही आपको मालूम पड़ता जाता है। ये ट्रिमर आता है 40 लेंथ सेटिंग के साथ, मतलब क्या वैसे 40 लेंथ सेटिंग तक के एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस लेंथ के हेयर चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 40 एक ही बार में सेट हो जाएंगे, 2 डिफरेंट ऐसे कॉम्ब्स दे दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, तो 20+20 40 लेंथ सेटिंग हो जाती है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। और दोस्तों एक बहुत ही कमाल का फीचर हमें देखने को मिलता है, ये ना फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब कि सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 13 मिनट्स का रन टाइम दे देता है, तो काफ़ी कमाल बात हो जाती है, मतलब ऑफ पड़ा हुआ है बैटरी नहीं है तो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करिए और फिर जहाँ चाहिए वहाँ यूज़ करिए, जहाँ चाहिए वैसे यूज़ करिए, मतलब मैंने 1 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा काम आया कि मतलब ऑफ पड़ा हुआ है बैटरी डाउन तो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करा और फिर आराम से कॉर्डलेस यूज़ करा, काफ़ी अच्छा हो जाता है। और साथ ही में आप इसे जहाँ चाहिए वहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आता है IP7 वाटर रेजिस्टेंस के साथ में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वॉश करेंगे तो खराब हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, काफ़ी सेटिस्फैक्टरी चीज़ हो जाती है। बात कर लीजिए इसकी बैटरी के बारे में, बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, तो आप इसे मेन बात तो ये कि आप इसे कॉर्ड के साथ और कॉर्डलेस दोनों ही तरह से आराम से यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसे कॉर्ड के साथ में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे चार्ज करते हो तो पूरे 1 घंटा लगता है उसको चार्ज करने के लिए, हालांकि 1 घंटे के चार्जिंग के बाद ये 90 मिनट्स का रन टाइम देता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं 10 मिनट लगते हैं आपको बियर्ड ट्रिम करने के लिए, आप बियर्ड ट्रिम के लिए इसे यूज़ करते हैं तो 9 बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 महीने में 1 बार चार्ज करना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी यूज़ है ये भी इसका, तो इसलिए मुझे ये ट्रिमर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ट्रिमर के परफॉर्मेंस के बारे में। तो पिछले 1 साल से ट्रिमर को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सेफ एंड रिलायबल परफॉर्मेंस देखने को मिला है, मतलब कि इससे पहले बहुत सारे वो 300-400 रुपये वाला ट्रिमर यूज़ कर चुका हूँ, 3 से 4 महीने चलता है फिर ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे तो यही बेटर लगा कि 1200 रुपीज़ मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, अमेजोन पे एक दिन मैंने खरीदा था, और उसके बाद से अभी कुछ 13 महीने हो चुके हैं और मैं इसे अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिली है, कई बार मेरे हाथों से स्लिप हो गया, वाटर में से कई बार वॉश करा तो बिल्कुल भी मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली इसके अंदर। साथ ही में जो परसिस्टेंट साइज़ है वो भी 0.5 mm का देखने को मिल जाता है, मतलब ऐसे क्लीन शेव करने के लिए भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बाल ज़्यादा बड़े रह जाएंगे ऐसा कुछ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। साथ ही में अगर आपकी सॉफ्ट स्किन है, आपको ऐसा लगता है कि रैशेज हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उस चीज़ के लिए भी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको रैशेज हो जाएंगे या फिर कट लग जाए कहीं पर, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो वो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका ट्रिमर लेने का बजट 1200 तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपके लिए इससे बेटर कोई चॉइस नहीं है, हालांकि अगर आपको सस्ते ट्रिमर चाहिए तो आप दूसरे ट्रिमर को देख सकते हैं, बट दिस वन इज द बेस्ट अंडर 1200 रेंज, तो
दैट्स इट फॉर मॉडर्न टैक्टिक्स। सर वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।